नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसटी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। आज के वीडियो में एक जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की वो दिखाना चाहता हूं। सर्दियां हैं, सर्दियों का मौसम चल रहा है। आज 5 जनवरी है 2024 और ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हमारे हीटर्स वगैरह मेरे चल रहे हैं ऑलमोस्ट, और मैं अभी ऊपर फीड डालने के लिए आया था। अभी 8 बजे मैं जॉब से आया हूँ, तो अभी अब फीडिंग करने आया हूँ। तो रिस्पॉन्स जो मुझे देखने को मिला फिशेस का, वो देख के मैं अमेजिंग, पूछिए मत, मतलब शब्द नहीं है। आप खुद देखिए, मैं लाइट ऑन करता हूँ। देखिए ये ईल्स हैं और इनका रिएक्शन देखिए। ये वही ईल्स हैं जो कभी भी बाहर नहीं निकलती थी, बट अब आप खुद देखिए, जब इनको पता चला कि मैंने फिल्टर बंद कर दिया और अब फीड पड़ने वाली है, तो ये एकदम से उसी जगह पे पूरे सर्फिंग कर रही हैं। पूरा देखिए रेकी चल रही है और मैं इनको श्रिम्प ही दे रहा हूं। हालांकि एक दिन छोड़ के देने चाहिए थे, बट मैं इनको रोज ही दे रहा हूं। तो अभी मैं डालने वाला हूं, अभी देखिएगा आपके सामने ये मैंने, देखिए वो, देखिए मजे की बात ये है कि पहले ये श्रिम्प को पकड़ के जमीन में ले जाती थी, अपने सबस्ट्रेट में चली जाती थी, बट अब 2-3 पीस तो ये ऐसे ही खा लेती हैं। देखिए ये, देखिए ये मिला इसको। अगर श्रिम्प बड़ा हो तब ये सबस्ट्रेट में जाती हैं, अदरवाइज बाहर ही खा लेती हैं उसको। अब आप खुद देखिए कि कितनी बुरी तरह से ये सर्च कर रही हैं कि कहां पर है। ये देखिए, देखिए बिल्कुल पतली सी हैं, जैसे वाइन स्नेक होता है वैसी ही इनकी शेप है। देखिए मतलब ये रोज का किस्सा हो गया है उस क्रोकोडाइल के पीछे। वो देखिए, वो देखिए, सर्चिंग अभियान अभी चल रहा है। और देखिए जो इनका बिहेवियर है उससे इतना पता चलता है कि इनकी आई साइट जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट हाँ इनकी जो सूंघने की सेंस है वो बहुत जबरदस्त है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो अब ये धीरे धीरे अपने आप ऐसे ही खाती रहेंगी। हालांकि ये देखिए रोजी बाप भी खा रही है, जिसका दांव लग रहा है वो सब हाथ साफ कर रहे हैं। ब्लैक विडोज हैं देखिए, और वो देखिए ये रेड फिन शार्क है, और वो फिर से निकली ईल देखिए, और दूसरी भी निकली है हीटर के पास, आपको नजर आ रही होगी। देखिए सर्चिंग में है, उनको पता है कि इसी जगह पर रोज फीड पड़ती है, तो वो रोज जैसे ही फिल्टर बंद होता है यहीं पे आके बुरी तरह से सर्च करना शुरू करती हैं फूड को। वो देखिए ये दूसरी है, देखिए ये पकड़ा इसने श्रिम्प, और इसकी कोशिश यही रहती है कि एक सिरे पर ला के इसको खा लूं, बट अगर उसमें ये कामयाब नहीं होती है तो फिर ये नीचे सबस्ट्रेट में जाती हैं। और उसका लॉजिक जो है वो मुझे जहां तक समझ में आया है कि श्रिम्प जो है वो, ये फ्रीज ड्राइड श्रिम्प्स हैं, ये जब खाने की कोशिश करती हैं तो वो मुंह से निकल कर थोड़ा सा ऊपर लटक जाता है। तो ये क्या करती हैं कि उसको पकड़ कर सबस्ट्रेट के अंदर ले जाती हैं,
जिससे कि वो दब जाता है सब्सट्रेट में और फिर वो बाहर नहीं निकल पाता, और इसको ये आराम से खा लेती हैं। देखिए ये गई, ये देखिए ये घुसी अंदर, देखिए बैकवर्ड, और वो गई अंदर। ये हमेशा जब भी सबस्ट्रेट के अंदर जाएंगी तो अपने टेल एंड से ही जाएंगी, कभी भी मुंह वाले सिरे से ये अंदर नहीं जाती हैं। ये भी इनका एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है। सकर माउथ है, वो भी आप देख सकते हैं, मजे से वो भी खा पी रही है ऊपर। हालांकि मैंने फ्लोटिंग पैलेट्स जो है वो भी डाले हुए हैं। ये देखिए ये यहां पर तैर रहे हैं, ये देखिए ये फ्लोटिंग पैलेट्स हैं। अब ये जब मैं लाइट बंद करूंगा तब ये अपने आप खाएंगी। तो सबके लिए खाना मैं उनके नीड के अकॉर्डिंग ही डालता हूँ। तो बस यही एक छोटा सा अपडेट देना था कि रिस्पॉन्स ये देखिए, देखिए इन दोनों को फेथ आ चुका है। अब ये डरती भी नहीं है। अभी देखिएगा ये पकड़ेगी उसको, श्रिम्प इसके आगे है और वो ढूंढ रही है उसको, और जैसे ही मिलेगा उसके बाद वो उसको लेकर सीधे सबस्ट्रेट के अंदर घुस जाएगी। दूसरी भी निकल गई है, ये देखिए इसको मिला, और दोनों ने एक ही पकड़ लिया और वो एक ले गई। ये चीज बहुत रेयर है, कभी कभी ही कैप्चर होती है। अब ये दूसरी भी ढूंढ रही है, देखिए देखिए श्रिम्प इसके सामने पड़े हैं बट इसको नजर नहीं आ रहे हैं। यहां से पता चलता है कि इसकी आई साइट जो है वो बहुत कमजोर होती है। ये देखिए ये उसने श्रिम्प वैसे ही खा लिया, और वो खाकर बाहर फिर से बाहर आ गई है। सिर्फ सेंस के सहारे ये फील करती है। वो देखिए वो पकड़ा उसने, और अगर आप देखेंगे तो वो टेल एंड से गई अंदर। वो देखिए वो उसकी टेल एंड है, उस टेल से अंदर घुस रही है। देखिए वो देखिए बैकवर्ड, और ये गया श्रिम्प भी साथ में नीचे। तो ये है इसका तरीका खाने का। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ में, इतनी फिशेज मैंने रख दी हैं, सब की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी चल रही है, किसी को इसने नुकसान नहीं पहुंचाया, कुछ नहीं है ना, कोई इनको नुकसान पहुंचा रहा है। तो ओवरऑल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी चली इनकी। इससे पहले मैंने मॉरी ईल्स ट्राई की थी बट उनकी फीडिंग का इशू आ रहा था बार बार, बट ये ईल्स जो हैं बहुत परफेक्ट हैं और कोई इशू नहीं है इनको फीड करने में। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शशि वर्मा जी का, जिन्होंने ये डोनेट की थी, भेजी मुझे, और जो मेरी बहुत सालों से ईल रखने की तमन्ना थी वो पूरी हुई। वो देखिए वो देखिए, देखा आपने, ये देखिए, और वो लड़ रही है। देखिए ये देखिए, और वो गई अंदर। तो इस तरह से ये फीड करती हैं। तो आज के वीडियो में बस आपसे यही एक शेयर करना था मुझे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, इस चैनल को भी शेयर कीजिएगा ताकि हम अपना परिवार जो है वो और ज़्यादा बढ़ा सकें, इस परिवार में और भी ज़्यादा हॉबिस्ट एक्वारिस्ट लोग जुड़ सकें। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो समय पर मिलते रहें। तो मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।